दोस्तों कैसे हैं आप। मैं इकबाल, आपका आईक्यू टेक्निकल में इस्तकबाल करता हूँ। पबजी, इस पबजी से तो हमें रब ही बचाए। कहने को तो ये गेम है, लेकिन इस गेम के खेलने वालों के लिए उनकी ज़िंदगी बन गया है। इस गेम की वजह से न सिर्फ हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बल्कि हमारे मुल्क का भी फ्यूचर खतरे में आ गया है। ख़ास करके 12 साल से 18 साल की उम्र के बच्चे इस गेम के साथ, पबजी के साथ ऐसे जुड़ गए कि ना खाने पीने का होश है, ना पढ़ाई लिखाई में मन लग रहा है, उनकी अक्ल जा रही है। मुझे साफ साफ कह लेने दीजिए कि वो पागल हो रहे हैं। यहाँ मैं छोटा सा आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आप खुद देखें और अंदाजा लगाएं कि हमारे मुल्क के बच्चे कहाँ जा रहे हैं। भाई, नाम क्या है आपका? अबया। हाँ? अबया। ये क्या है? गन लेकर क्यों जा रहे हैं? पबजी गेम खेल रहे हैं? कितने दिन से खेल रहे हैं पबजी गेम? 1 साल से। 1 साल से पबजी गेम खेल रहे हैं? हाँ। और ये क्यों गन लेके फिर रहे? किसको जलाने के लिए? हाँ, दुश्मनों को। अभी तक कितने दुश्मनों को मारे? 20। अभी किसको मारने जा रहे? हाँ, 50 जनों को मारते हैं, 50 जनों। हाँ, और कितना मिशन कंप्लीट करे आप? हाँ बोलो ना। देखा आपने, जब मैंने इस वीडियो को पहली बार देखा तो मुझे भी ऐसा लगा कि मिलिट्री का कोई जवान ऑन ड्यूटी कहीं जा रहा है। लेकिन वीडियो पूरी होते होते मैं शॉक हो गया और अफसोस भी हुआ कि ये बच्चा तो पागल हो गया है। क्या गुजरती होगी उन माँ बाप पर जिनके बच्चे पागलपन का शिकार हो रहे हैं। और हद तो ये है कि एक बच्चा 6 घंटा लगातार इस गेम को खेलते खेलते अपनी जान से हाथ धो बैठा। मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि गेम हमारे लिए है, हम गेम के लिए नहीं है। इसे सिर्फ खेल समझ कर प्ले करें, इसके परे भी बहुत कुछ है। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन और तुम्हारा परिवार और तुम्हारी पढ़ाई। हो सके तो इस गेम को खेलना ही छोड़ दे, या तो अगर खेलें शेड्यूल बनाकर खेलें, इसके पीछे पागल ना हो। और मैं उन पेरेंट्स से भी गुजारिश करूंगा कि जिनके बच्चे पबजी खेलते हैं, खासकर मैं पबजी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इसी गेम की वजह से बच्चे पागल हो रहे हैं। बच्चों को पहले तो आप मोबाइल ना दें, और अगर आप उन्हें मोबाइल दे रहे हैं तो उन पर कड़ी निगरानी रखें कि वो क्या करते हैं, क्या देखते हैं और क्या खेलते हैं। हर एक चीज़ की हद होती है। अगर बच्चा घंटों अपने कमरे में या आपके सामने गेम खेलते बैठा या मोबाइल देखते बैठा है तो उसे मना कीजिए, उससे ले लीजिए और उन पर वॉच रखिए। यह आपकी भी जिम्मेदारी है। यह आप भी अच्छी तरह जानते हो क्योंकि सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसी न्यूज़ सुनने और देखने को मिलती रहती है। तो प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखें और इस पबजी की नहुसत से बचें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, नए टॉपिक पर नई बात होगी। जब तक अपना और अपनों का केयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद।